Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़े कई घंटों का समय बीत चुका है। रूस के हमले की नीति को देखकर कहा जा सकता है कि रूस बड़े ही सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। रूस की सेना ने गुरुवार को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया। साल 1996 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर परमाणु रिसाव की वजह से भयानक हादसा हुआ था। अब ये परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है। यहाँ पर टनों में परमाणु ईंधन रखा हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने पहले ही आशंका जताई थी कि रूस की सेना चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर सकती है। जेलेंस्की ने कहा था कि हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलकर भी इस इलाके को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साल 1996 जैसा हादसा ना हो, लेकिन रूस की सेना ने न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ऑफिस के एक सलाहकार माइखाइलियो पोडोलिक के हवाले से ये जानकारी दी है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन की राजधानी कीव से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 26 अप्रैल 1986 में बड़ा धमाका हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में इस समय यूक्रेन और रूस के परमाणु संयंत्रों से निकला 22,000 बोरी परमाणु कचरा रखा है। यहाँ पर किसी तरह का भी हमला बड़ी आपदा को बुला सकता है। यूक्रेन के साइंटिफिक एंड टेक्निकल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी के प्रमुख डिमिट्रो गेमेनियोक ने कहा है कि इस जगह पर एक भी बारूदी विस्फोट हुआ तो बड़ी आफत आ जाएगी। रेडिएशन हर जगह फैलेगा, फिर इसे संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। बता दें 26 अप्रैल 1996 में यूक्रेन के चेर्नोबिल के न्यूक्लियर प्लांट में दो बम धमाकों की वजह से यहां पर 125,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे ने इतना बड़ा असर किया कि यहां दोबारा बसने की लोगों ने हिम्मत नहीं की। उस समय यह भी दावा हुआ था कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 400 गुना ज्यादा रेडिएशन उन दो बम धमाकों से निकला था। रूस ने यूक्रेन के दर्जनों शहरों पर कब्जा कर लिया है तो वहीं राजधानी कीव की सभी जरूरी सुविधाएं ठप करने की रणनीति पर भी रूस काम कर रहा है। इसी रणनीति के तहत रूसी सैनिक राजधानी कीव में बिजली, पानी और खाने पीने की जैसी मूलभूत चीजों को रुकवा देने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के बीच हुए इस युद्ध को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। यहाँ उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भी बात की। मोदी ने कहा कि संकट का समाधान कूटनीतिक और बातचीत के रास्ते से ही होना चाहिए। कहा जा रहा है कि रूस ने कुछ समर्थक नेताओं की एक लिस्ट तैयार की है। इसमें यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का नाम भी शामिल है। बता दें कि विक्टर यूक्रेन छोड़कर भाग गए थे, अब उन्हें वापस लाने की तैयारी चल रही है ताकि नए चुनाव करवाए जा सके। ऐसा इसीलिए क्योंकि पुतिन यूक्रेन की सत्ता पर अपना आदमी बैठाना चाहते हैं कि क्रीमिया पर रूस की संप्रभुता को मान्यता मिल जाए। यूक्रेन में रूस की सेना ने 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, साथ ही 11 से ज्यादा एयरफील्ड बर्बाद किए जा चुके हैं। अब एयरबेस पर कब्जे को लेकर रूसियों और यूक्रेनियों सैनिकों के बीच लड़ाई जारी है। उधर यूक्रेन के 30 से ज्यादा शहरों पर रूस कब्जा कर चुका है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार सुबह ही साफ कर दिया था कि उनकी मंशा यूक्रेन की सेना को विसैन्यकरण करने की है। वे यूक्रेन में एक ऐसा शासन लाना चाहते हैं जो कि नाटो के इशारों पर ना नाचे और रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा ना बने। इससे पहले रूस की संसद यानी ड्यूमा ने राष्ट्रपति पुतिन को ये इजाजत दे दी थी कि वो सीमा से बाहर जाकर कार्रवाई कर सकते हैं। अब दुनिया भर की निगाहें इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध पर टिकी हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर के रूप में ना बदले।